हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। तो आज जो है राधा जी का जो है छठी है। तो अगर राधा जी का आप जन्म उत्सव मनाए हैं तो राधा जी का छठी जरूर मनाइए, क्योंकि कहीं कहीं जो है बच्चियाँ जन्म लेती है तो छठी नहीं मनती है। तो मेरे यहाँ जो है बच्चियाँ भी जन्म लेती है तो छठी मनती है। ठीक उसी तरह जैसे आप राधा जी का जन्म उत्सव मनाए हैं, ठीक उसी तरह आप राधा जी का छठी भी जरूर मनाएं। छठी पर क्या क्या भोग बनता है सारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो राधा अष्टमी, जैसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है, सितंबर के मनाए जाएंगे। इस हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय भक्त और सखी राधा जी की जन्म तिथि होती है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के और राधा रानी के पूजा करते हैं और उनकी भगवान के साथ लीला की स्मृति करते तो हैं। लाला को मैंने शुद्ध जल से स्नान कराए, आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो राधा रानी को भी मैं स्नान कराऊंगी। पहले मैं जो है लाला को स्नान करा लेती हूँ, उसके बाद इनको पोशाक धारण करवा देती हूँ, उसके बाद मैं ठाकुर जी को भी स्नान कराऊंगी। जो छोटे वाले में राधा रानी है उनको भी पंचामृत से स्नान कराऊंगी, क्योंकि उनका छठी है। तो छठी पर जैसे बच्चे को स्नान कराते हैं तो ठीक उसी तरह उनको भी स्नान जरूर कराएं। जो है थोड़ी सी क्लिप लगाइए आप, हम जो है स्नान कराएंगे ठाकुर जी को, छोटे वाले राधा रानी और ठाकुर जी को भी पंचमी से मैंने जो है स्नान कराया है, क्योंकि उनका छठी है। तो छठी पर इस तरह से आप पंचमी से स्नान करा सकते हैं, या तो शुद्ध जल से गंगा जल से स्नान कराएं। तो यहाँ पर मैंने शुद्ध जल और यह कुछ पुष्प रख लिए थाल में और तुलसी दल के पत्ते भी रख लिए। अब इनको हम पंचमी से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध ले लेना है आपको, उसमें शहद शक्कर घी और दही भी मिला लेना है। इस तरह से मैंने जो है पाँच चम्मच बना के उसके बाद जो इनको स्नान कराया है। तो जन्म उत्साह के इनको धारण करवा देते हैं। अगर आप चाहें तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं इस दिन, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। सिंपली इनका छठी मना सकते हैं। जैसे बच्चे हर घर में मनते हैं तो यहाँ पीले वस्त्र इनको धारण करवाएंगे, क्योंकि हर छठी में जो है पीले वस्त्र काफ़ी अच्छे रहते हैं। बच्चे को ऊपर जो पीले वस्त्र काफ़ी सुंदर लगते हैं। यहाँ मैंने कलश स्थापना की है क्योंकि मेरी मन थी कि कलश स्थापना ही करें हैं। तो छठी भी जरूर मनाएं राधा रानी और कृष्ण जी की। तो लाला के साथ में भी इनको भी साथ में पूजा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ स्थापित किए पीले वस्त्र बिछाने के बाद जो है जल रखा। आप चाहें तो मीठे भोग बना सकते हैं, पक्के भोग बना सकते हैं, या तो कच्चे बना सकते हैं। जैसे कच्चे में जैसे हो जाता है कढ़ी चावल पकौड़े भाजी, इस तरह के पांच प्रकार के इनको भोग लगा सकते हैं। पक्के में जैसे सब्जी पूरी, इस तरह के पक्के हो जाते हैं, तो इसी को कच्चे और पक्के बोलते हैं। जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपको ठाकुर जी की सेवा करनी आपकी इच्छा। तो इस तरह से मैंने ठाकुर जी की छठी मनाई। आप लोग कैसे मनाएं, आप लोग कैसे छठी मनाएं हम लोग से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और अगर हेल्पफुल लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। We'll be right back.